मुझे पता है वो क्या करता है वहां। मुझे नहीं पता ये किस लिए है। क्या तुम्हें पता है वो कौन है? गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे क्या आपको पता है गाइज? अगर आपको नहीं पता तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, आज के इस वीडियो में हम इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में सीखेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कहने के लिए आपको पहले यूज़ कर देनी है आई नो या फिर आई डोंट नो। इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है डब्ल्यू एच वर्ड, इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब और लास्ट में अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर जो वर्ब है वो टेंस अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी चेंज हो सकती है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है वो कहाँ गया है। आई नो वेयर ही हैज गॉन। आई नो वेयर ही हैज गॉन। क्या तुम्हें पता है वो कौन है। डू यू नो हु ही इज। डू यू नो हु ही इज। हु इज ही मत लिखना क्योंकि आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। मुझे नहीं पता ये किस लिए है। आई डोंट नो वाट इट इज फॉर। आई डोंट नो वाट इट इज फॉर। इज इट फॉर मत बोलना। मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह का काम करता है। I didn't know that he does this kind of work. I didn't know that he does this kind of work. मुझे नहीं पता वह कहाँ जाती है। I don't know where she goes. I don't know where she goes. मुझे पता है वो क्या करता है वहाँ। I know what he does there. I know what he does there. उसे सच में पता था वो कल रात कहाँ गया था। He really knew where he went last night. He really knew where he went last night.